तुम चले जाओगे पर मैं यही रहूंगा। नहीं अच्छी बात, हम उठने वाले नहीं सर। नहीं नहीं मैं रुखाड़ी यही करूंगा। हम तो कल से शाम को अभी कफन मंगाया है हमने, सर पे बांध के नहीं कफन को बैठेंगे, यहाँ ऐसे नहीं बैठेंगे हम सर। नहीं कफन क्योंकि हमने इस इरादे से बैठे हैं कि तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे नहीं किसी भी हालत में। कोई बात नहीं, पर सर पे कफन बांधने का क्या उचित नहीं, अगर मरना भी पड़ जाए तो यहाँ हम तैयार हैं, कफन जाने के लिए बाजार तो ना जाना पड़ेगा, कफन के लिए कम से कम साथ में ही कफन रहेगा ना। वो तो बात की बात है, वो तो हम रहेंगे जो देख लेंगे, जो रहेगा ये तो कोई बात। रात भी पुलिस आई थी, दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसको उठाओ उठाओ धरना को। हम किसी को क्या तकलीफ दे रहे हैं, संवैधानिक तरीके से हम यहाँ मांग कर रहे हैं अपनी, और फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो फिर एक काम करें, मुलजिमों को अरेस्ट कर लाएं, हम उठ जाएंगे। इसमें क्या गलत कर रहे हैं हम लोग, और लोग दबाव बना रहे हैं बार बार दबाव बना रहे हैं, चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो। लेकिन अभी हम लोग देख रहे, और जो लोग कह रहे थे कि परिवार साथ में नहीं है, कल खुदा के बैठे हैं भाई, ये भाई हैं बड़े वाले नासिर के मामूर, और जब ये लोग आके बैठ गए हैं, ये जुनैद के बच्चे हैं, और ये जुनैद का बच्चा है, और उसके रिश्तेदार, उसके साले वगैरह, उसके बहनियों वगैरह सब साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बैठा हूँ। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि यार ये तो खुद ही बैठा है, कमेटी ने बैठा रखा है, ये है वो है, राजनीति चल रही है, सारी बातें बकवास है, ये भाई बैठा, अब आप इससे पूछ सकते हो। हमारे लिए जो आश्वासन दिलाया गया था उनमें से एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो मुलजिम गिरफ्तार करने की बात हुई थी, तुम एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। आज एक महीने का टाइम हो जाया, पहले भी ये धरना चालू हुआ था, धरने के लिए 10 दिन का टाइम लिया गया, तो उसके बाद अब कल 12 तारीख से धरना चालू हो गई, जिसमें हम भी शिरकत कर रहे हैं और सारे भाई शिरकत कर रहे हैं। तो परिवार के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सभी परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। ये हमारा बहन है, ये जुनैद का साला है, मैं उसका बड़ा भाई। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे लिए इंसाफ नहीं मिलेगा, मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक हम धरना चालू रहेगा। देखो जी, पुलिस का जो काम है वो काम कर रही है अपना बखूबी, ठीक तरीके से काम कर रही है, लेकिन हमें जो आश्वासन दिया जा रहा है ना, वो हमें ऐसा लग रहा है कि खाली फी का आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि 10 रोज का टाइम मांगा था एडिशनल साहब ने, हमने 10 रोज का वक्त दे दिया। अभी और कितना टाइम मांगेंगे, कब तक टाइम मांगेंगे? हम टाइम देते रहेंगे, मामला ढीला पड़ता रहेगा, हम तो बैठेंगे, हमारे इंसाफ चाहिए हमारे को, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें ना पैसों की ज़रूरत है, ना माल की ज़रूरत है, ना दौलत की, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए जी। हम इंसाफ के लिए बैठे हैं, और ये भाई बैठा है बड़ा वाला, आप इससे पूछ सकते हो, मामूर से। कब तक जारी रहेगा धरना जी? जब तक जारी रहेगा जब तक सारे मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे। कितने मुलजिम अरेस्ट हुए? अभी तक एक मुलजिम अरेस्ट हुआ है, और वो दूसरे दिन अरेस्ट हो गया था, रिंकू नाम का मुलजिम है, और उनके लोगों में रोडों पर उतर रहे हैं उसके समर्थन में। वहाँ पुलिस जाए, उनको समझाए कि आप लोग उपद्रव फैला रहे हैं, आप लोग आतंक फैला रहे हैं, रोडों पर उतर रहे हैं। अब पुलिस हमें आ रही है यहाँ टॉर्चर करने के लिए बार बार, इस टॉर्चर करने से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है पुलिस को? तो मेरा तो कहना यही है पुलिस अधीक्षकों से भी और तमाम राजस्थान के आला अधिकारियों से कि जनाब हमारे पास मत आइए, जितनी पुलिस आप यहाँ लगा रहे हो ना, हम तो सुकून से बैठे हैं, बैठे रहने दीजिए, आप वहाँ जाइए।